मॉर्निंग एवरीवन। आज राइड का प्लान बना है इंदौर। तो आज है 16 दिसंबर। टाइम हो चुका है लगभग 4:38, 4:38 इन द मॉर्निंग। और अभी मैं निकल रहा हूँ इंदौर के लिए। तो 16 दिसंबर का प्लान है, 16, 17, 18, 19, 20, और इंदौर के साथ साथ ट्राई टू एक्सप्लोर भोपाल ऑल्सो। अभी यहाँ से इंदौर इज़ अराउंड 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर्स अराउंड। तो एक्सपेक्टेड टाइम गूगल बता रहा है 11 आवर्स, बट ऑन द वे आई होप कि 11.5-12 आवर्स तो हो ही जाएंगे, इंक्लूडिंग द ब्रेक्स एंड ऑल दिस थिंग। ये राइड मैं करूँगा अपनी वर्सेस पे, वर्सेस का ये पहला राइड होगा। लेट्स सी, इसके पहले तो लॉन्ग राइड्स वाले हिमालयन पे हुए। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई राइडिंग ऑन 650 cc। पैकिंग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे वर्सेस का पैनियर वाला सेटअप अभी तक हुआ नहीं है। मैं कोशिश कर रहा था कि ये रेड के पहले पैनियर सेटअप हो जाए, पर ड्यू टू सम रीजंस वो हो नहीं पाया। तो आई हैड टू कैरी सॉफ्ट लगेज। तो सॉफ्ट लगेज में मैंने एक छोटा सा बैग लिया है, टेल बैग। वो टेल बैग टक इन कर लूँगा। 5 ही दिन का राइड है, ज़्यादा कुछ सामान वगैरह लगेगा नहीं। सेफ्टी गियर्स वगैरह साथ में ही रहेंगे। और एक टैंक बैग लिया है साथ में, मेरा यूजुअल टैंक बैग राइडा वाला, जो डे टू डे चीज़ों के लिए, ग्लव्स रखने के लिए वगैरह, इसके उसके लिए काम आता है ऑल दिस थिंग। तो मेन लगेज रहेगा मेरा टेल बैग, और फ्रंट में रहेगा टैंक बैग, एंड दैट्स इट। इतना ही सामान है, बाकी राइड पे चलते चलते आपको अपडेट देता रहूँगा। ओके, फिलहाल तो हम टाइम ही लग रहा है। 5 बजे निकलने का प्लान था, पर मैं जल्दी उठ गया आज सुबह। तो अराउंड 4:40 के आसपास अभी निकल रहा हूँ। लेट्स सी, सूरज बाहर आ गया है, तो अभी शायद थोड़ा सा वार्म हो सकता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। इट्स क्रेजी चिलिंग आउट हियर। थैंकफुली मैंने एक विंटर लेयर लिया था साथ में, एक्सपेक्टिंग कि ठंड हो सकती है। बाइक राइडिंग वाला नहीं, बट केचुआ का फ्लीस लिया था साथ, तो अभी फ़िलहाल मैंने वही पहन लिया है। या इट इज़ नॉट परफेक्ट, बट ठीक है, काफ़ी हद तक वो सर्दी से बचा रहा है। और फास्ट जा सकता था, पर क्योंकि नकल गार्ड्स इतने ठंडे हो गए, तो आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू 70-80 किलोमीटर्स एन आवर। थोड़ी सी जब धूप पड़ेगी और रास्ता क्लियर होगा, मे बी मालेगा और धुए के आगे, तो आई विल प्लान टू गो अ लिटिल फास्ट। तो अभी अभी लिया गया है एक चाय का ब्रेक, आज सुबह की पहली चाय है, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर के बाद। सुकून है, सुकून है। सुबह तो अंधेरा ही था, तो चाय लेने के लिए मुझे सेफ नहीं लगा हाईवे पे रुकूं और चाय पीऊं। अभी थोड़ा सा उजाला भी हो गया है, थोड़ा सा डिस्टेंस भी कवर कर लिया है। अराउंड 100 किलोमीटर्स के बाद आई यूजुअली टेक अ ब्रेक ऑन माय राइड्स। ये थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, क्योंकि नासिक क्रॉस करना था। 130 किलोमीटर्स हो गया ऑलमोस्ट अभी नासिक के, जस्ट मैं अभी बाहर हुआ आउटस्कर्ट्स में थोड़ा सा, और वहाँ पे बाइक पार्क है। चाय वाले का नाम देख लो, पढ़ लो, जवाबदारी अमृत तुल्य कुछ है। मस्त मस्त चाय एकदम, और एक लूँगा मैं। अगला स्टॉप होपफुली धुए होगा। टुडे इज़ अनदर 160 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो अराउंड 3 घंटा और लग जाएगा। तो या तो धुए से थोड़ा पहले ब्रेकफास्ट के लिए रुकूंगा, या फिर डायरेक्टली धुए ही रुक जाऊंगा, एंड आई विल हैव ब्रंच। राइड पे रहता हूँ तो वैसे भी ज़्यादा मैं कुछ खाता नहीं। ज़्यादा खाने की वजह से ड्राउजी फीलिंग आता है, सो मोस्टली चाय या जूस या लिक्विड्स, लिक्विड डाइट। और फिर पहुँचने के बाद इंदौर में थोड़ा सा अच्छे से खाएंगे तबीयत से। रास्ते में कुछ लाइट ही खा लूँगा, दाल खिचड़ी काइंड ऑफ टाइप्स, है ना। चलते चलते रास्ते पे बात करते हैं। पर फिलहाल तो चाय बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
ये फ्लाईओवर कम हाईवे वाला जो रास्ता है ना, ये पूरा नासिक सिटी को बाईपास कर देता है। नहीं तो अर्लियर फ्रॉम द पॉइंट वी टुक द फ्लाईओवर, इट यूज टू टेक अराउंड 40 to 45 minutes जस्ट टू रीच इन नासिक सिटी, कम इनसाइड द सिटी। अभी उन्होंने फ्लाईओवर बना दिया है पूरा आउटर रोड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे एग्जिट दे दिया, सो दैट यू कैन टेक द फ्लाईओवर और जहाँ आपको उतरना है वहीं पे एग्जिट लेके आप कर सकते हो। दैट वाज अ स्मार्ट थिंग टू डू। चलो होपफुली अगर ब्रेकफास्ट का प्लान अभी इमिडिएटली तो नहीं है, 8:30-9 o'clock के आसपास अगर फिर रीच मालेगांव के आसपास तो वहाँ पे कहीं पे रुक के ब्रेकफास्ट कर लूँगा। और 7 के हिसाब से 8 hours मोर, मतलब आई शुड बी एबल टू रीच 3 o'clock, बट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और लंच ब्रेक अराउंड 1-1.5 hours तो 4:30 हो सकता है। तो 4:30 टारगेटेड टाइम है इंदौर का। लेट्स सी। अच्छा अभी नासिक सिटी बाईपास कर लूँगा और सीधा सीधा निकल जाऊँगा मैं। अगर आपको सिटी के अंदर जाना है तो देन यू हैव टू टेक डाइवर्जेंस इनटू लेफ्ट 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 ऐसे करीब। ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये पूरा नासिक सिटी है। हाय गाइस, क्विक अपडेट। लगभग 11 बज चुके हैं सुबह के और मैं यहाँ धुरे से थोड़ा सा आगे शिरपुर के आसपास आया हूँ। दिस इज़ महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर। यहाँ से इंदौर अराउंड 200 किलोमीटर्स मोर टू गो, तो लगभग 4 घंटे लगेंगे। हालांकि 3.5 घंटे में कवरेबल है, पर यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए रुका था एक जगह पे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ट्रैफिक लग सकता है बीच में, तो 4 hours इज़ मोर डूएबल। तो 11:30 से भी अगर निकलूंगा यहाँ से तो आई शुड बी एबल टू रीच बाय 3:30 अराउंड। और ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे रुका था, आई जस्ट हैड सम लाइट ब्रेकफास्ट। सुबह से कुछ खाया नहीं था सो एम्प्टी स्टमक ही राइड हो रहा था, तो मैं सोचा आई विल ईट समथिंग लाइट, हैव अ कॉफ़ी और वैसे फिर आगे बढ़ता जाऊँगा। अभी यहाँ से इंदौर तक देर इज़ नो लंच ब्रेक और एनीथिंग, यहाँ से डायरेक्टली इंदौर जाऊँगा एंड देन चेक इन टू द होटल। चलो कैच यू अप ऑन द राइड। चलो निकलते हैं यहाँ से। ब्रेकफास्ट हो गया, काफ़ी अच्छा था ब्रेकफास्ट, नॉट बैड। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये मेरा हाइड्रेशन ब्रेक था, काफ़ी सारा पानी पी के अभी लोडेड हूँ फुली। अभी यहाँ से जाने का रास्ता तो आई थिंक 1-way है, मुझे थोड़ा सा उल्टा जाके ये हाईवे से ऐसे जाना पड़ेगा। बाकी रोड पे कुछ खास दिखाने जैसा है नहीं इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। हाईवे अच्छा है, रोड में कोई इश्यूज नहीं है सो फार। यहाँ शायद फ्लाईओवर के नीचे से मुझे राइट लेना है बिकॉज आई हैव टू गो द अदर वे अराउंड, दिस रोड गोज टूवर्ड्स मुंबई। एक बीच में फ्यूल का स्टॉप हुआ था, टैंक ऑलमोस्ट एम्प्टी बता रहा था, तो आई थॉट अच्छी फ्यूल पंप दिखी तो मैंने रिफिल करवा लिया। इट्स ऑलवेज गुड टू टैंक अप। ये विंडस्क्रीन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, मतलब इट्स डूइंग इट्स जॉब पर ये बीच बीच में ऐसे साइड में फिसल जाता है। आई डोंट नो व्हाई। अरे ये रास्ता कैसे कनेक्ट होता है? सो दिस इज हाईवे। चलो वी आर बैक ऑन द इंदौर हाईवे। इंदौर इज 203 किलोमीटर्स।
एंड टाइम इज 11:51। चल अभी नॉन स्टॉप इंदौर। हाय एवरीवन, इट्स 4:00 इन द इवनिंग। अभी जस्ट पहुंचा मैं, रीच अराउंड 3:40-3:45 पर चेक इन फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करते करते थोड़ा 15-20 मिनट इट टुक सम टाइम। दिस इज़ द रूम, वेरी नाइस एलिगेंट जस्ट लाइक अ वाव। और उनको पता चला कि मैं बाइकर हूँ तो मुझे स्पेसिफिकली बाइकर थीम वाला रूम दिया, दैट वॉज़ वेरी थाटफुल, काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल द रूम लुक्स नीट एंड क्लीन। ठीक है चलो, अभी आज के लिए आइटनरी ख़त्म है, आज के लिए टुडे आई विल बी टेकिंग रेस्ट। अभी कल के लिए टुमारो मॉर्निंग आई प्लान टू एक्सप्लोर इंदौर सिटी, आसपास थोड़ा सा देख लेता हूँ। कल शाम को सराफा बाज़ार जाऊँगा एंड परसों आई एम प्लानिंग टू विजिट मंडू महाड़ेश्वर, दैट पीस। तो ऐसा कुछ ब्रीफ आइटनरी है, थोड़ा सा डिटेल टचेस करूँगा मैं अभी और फाइनलाइज करूँगा। टिल देन आज के दिन के लिए समाप्ति, सी यू टुमारो मॉर्निंग, बाय।